आज हम रिव्यू करने वाले तीन बजट फ्रेंडली बैडमिंटन किट बैग जो हमें थ्रेक्स कंपनी की तरफ से देखने को मिलते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि थ्रेक्स एक इंडियन ब्रांड है, जो हमारा पहला किट बैग है वो थ्रेक्स का LOZ सीरीज बैडमिंटन किट बैग है। एंड जैसे कि आप देख सकते हो जो इसका शेप है हमें काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है, एंड ये एक बैकपैक टाइप का बैडमिंटन किट बैग है। तो किट बैग के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ थ्रेक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, उसके नीचे लिखा इनोवेशन एंड यहाँ थ्रेक्स का बड़ा सा लोगो। सो जो मटेरियल यूज हुआ इस किट बैग को बनाने के लिए वो है पॉलिएस्टर एंड ये एक वाटर रेजिस्टेंस किट बैग है। तो इस किट बैग में जितने भी चेन है वो आपको लाइम ग्रीन कलर के देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, जिसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है एंड ये चेन के ऊपर आपको थ्रेक्स की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। इस किट बैग की कंपार्टमेंट की बात करें तो फ्रंट पे आपको एक शू कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है जैसे कि आप देख सकते हो। इजीली इसमें शूज तो आ जाएंगे, इसके अलावा आप इसमें शटल कॉक वगैरह भी रख सकते हो। शू कंपार्टमेंट के ऊपर आपको एक छोटा सा पॉकेट टाइप का देखने को मिल जाता है जिसमें आप बैडमिंटन से रिलेटेड छोटे मोटे सामान रख सकते हो, जैसे बैडमिंटन ग्रिप हो गया, सीजर हो गया, थैरा बैंड हो गया, रिस्ट बैंड हो गया। किट बैग के साइड में आपको एक वाटर बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है एंड इसमें आपको एक मेजर कंपार्टमेंट बड़ा सा देखने को मिल जाता है जिसमें आप इजिली 4-5 रैकेट रख सकते हो और इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। आजू बाजू पैडिंग की भी बात करूं तो काफी बढ़िया, काफी थिक पैडिंग हुई है जिससे आपका रैकेट रहेगा सेफ। एंड अंदर में आपको एक मीडियम साइज का पॉकेट भी देखने को मिलता है जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो या वॉलेट वगैरह। किट बैग के पीछे साइड आपको दो शोल्डर स्ट्रैप देखने को मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल है एंड जो इसका बकल है वो आपको हार्ड प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छी बात है। बाकी कुशनिंग की बात करें तो काफी बढ़िया इसका कुशन है, जब आप इस किट बैग को पहनोगे तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है वो, चाहे चलने में हो गया या आप साइकिल चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओवरऑल किट बैग की क्वालिटी की बात करें तो मुझे काफी ज्यादा इसका क्वालिटी पसंद आया एंड जब आप इसे छुओगे भी ना तो आपको पूरा फील भी होता है। फ्रंट एंड साइड में आपको नेवी ब्लू कलर का देखने को मिल जाता है एंड पीछे साइड आपको ब्लैक कलर का एंड नीचे में आपको एक ब्लैक कलर का पैर देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि यूजुअली जब हम ये वाला किट बैग रखते हैं या कोई भी किट बैग रखते हैं तो हमें ऐसे रखते हैं तो इससे क्या होता है कि नीचे बार बार गंदा हो जाता है, तो ये ब्लैक कलर होने के कारण गंदा तो होगा लेकिन दिखेगा नहीं। फाइनली इस किट बैग के प्राइस की बात करें तो ये आपको 1199 रुपीज में देखने को मिल जाएगा khelmart.com में। वैसे मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके ले सकते हो। ऐसे टाइप के किट बैग हमें काफी कम देखने को मिलते हैं एंड अगर मार्केट में है तो उसके प्राइस भी थोड़े ज्यादा है। सो अगर आपका बजट 1200 रुपीज के अराउंड है एंड आपको एक बैकपैक टाइप का बैडमिंटन किट बैग चाहिए जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ी हो तो आप डेफिनेटली ये वाला किट बैग ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अब हम इस किट बैग में कुछ बैडमिंटन से रिलेटेड इक्विपमेंट डाल लेते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम इसमें कितने सामान आ सकते हैं। तो ये जो हमारा शू कंपार्टमेंट है तो इसमें जैसे कि मैं बताया था आप शू तो रख ही सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा शूज है, ठीक है शूज, यहाँ सॉक्स मैंने रखा है, एक वाटर बॉटल देखने को मिल जाएगा, यहाँ एक शटल कॉक फेदर वाली पूरा बॉक्स आ जा रहा है और एक मैविस 350 का बॉक्स। तो इस पॉकेट में मैंने कुछ छोटे मोटे सामान रखे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा स्किपिंग रोप हो गया, एक टी शर्ट मैंने रखी है एंड कुछ थैरा बैंड एंड ग्रिप वगैरह। तो ये हमारा मेजर कंपार्टमेंट, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसमें कुछ रैकेट रखा हूँ, इजिली 5 रैकेट तो आ गए, और भी स्पेस बचा है तो और भी आ सकते हैं। तो आज का हमारा जो सेकंड किट बैग है वो थ्रेक्स का ऑरा X10 बैडमिंटन किट बैग है। किट बैग के फ्रंट साइड आपको 3 कलर के कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है जो कि ये ब्लैक, व्हाइट एंड नियॉन। एंड टॉप साइड की बात करें तो आपको यहाँ पूरा ग्रीन कलर का देखने को मिल जाता है एंड इस साइड आपको ब्लैक कलर एंड उसके ऊपर आपको व्हाइट कलर से थ्रेक्स की ब्रांडिंग। फ्रंट में आपको एक पॉकेट देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो जो कि काफी ज्यादा बड़ा है जिसमें आप बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे सामान रख सकते हो। कंपार्टमेंट की बात करें तो इसमें आपको 3 बड़े बड़े कंपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, 1, ये 2 और ये 3। जब आप ये तीनों कंपार्टमेंट को देखोगे तो आपको काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। जो फ्रंट कंपार्टमेंट है इसमें आप बैडमिंटन रैकेट वगैरह रख सकते हो, इजिली 5-6 रैकेट तो आ ही जाएंगे। एंड उसके बाद जो मिडिल वाला कंपार्टमेंट है वो आपको काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है एंड उसके बाद जो लास्ट वाला कंपार्टमेंट है वो मिडिल वाले से थोड़ा छोटा देखने को मिल जाता है। बाकी आजू बाजू कुशनिंग की बात करूं तो हर कंपार्टमेंट के आजू बाजू आपको काफी थिक कुशनिंग देखने को मिलता है जिससे आपके बाकी सारे इक्विपमेंट रहेंगे सेफ। तो ये 3 मेजर कंपार्टमेंट के अलावा आपको एक अलग से शू कंपार्टमेंट देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हो, जहां आप अपना बैडमिंटन शूज वगैरह रख सकते हो। स्ट्रैप की बात करें तो इसमें आपको 2 स्ट्रैप देखने को मिल जाता है, पहला है हैंड स्ट्रैप तो आप इसको ऐसे पकड़ के ले जा सकते हो एंड दूसरा है ये शोल्डर स्ट्रैप जैसे कि आप देख सकते हो, तो इसे आप 2 तरीके से टांग सकते हो, पहला है एक ऐसे एक शोल्डर में एंड ऐसे फिर पहन के ले जा सकते हो एंड जो दूसरा है एक एक स्ट्रैप एक एक शोल्डर में। बाकी ये जो दोनों स्ट्रैप का जो कुशन है वो काफी ज्यादा हमें थिक देखने को मिल जाता है एंड पहनने में भी काफी कंफर्टेबल है एंड ये दोनों जो स्ट्रैप है आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। तो जो मटेरियल यूज हुआ इस किट बैग को बनाने के लिए वो है पॉलिएस्टर एंड ये भी एक वाटर रेजिस्टेंस किट बैग है। तो क्या है कि अभी बारिश का मौसम है तो अचानक से आप जा रहे हो तो पानी वगैरह गिर गया तो आपका रैकेट एंड अदर इक्विपमेंट्स रहेंगे सेफ। फाइनली इस 3 मेजर कंपार्टमेंट वाले बैडमिंटन किट बैग की प्राइस की बात करें तो ये आपको 1499 रुपीज में देखने को मिल जाएगा। मैं
मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ले सकते हो। तो गाइस इस किट बैग में भी हमने बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ सामान डाले हैं, तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पहला पॉकेट, इसमें मैंने कुछ रखे है थेराबैंड, कुछ बैडमिंटन ग्रिप्स वगैरह एंड एक कॉपी भी रखी है जो कि इजीली आ गया है इसमें। ये हमारा पहला कंपार्टमेंट, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने रखे अपने कुछ बैडमिंटन रैकेट्स वगैरह, तो 5 तो इजीली आ गए, इसके अलावा और भी आ जाएंगे एंड काफ़ी अच्छा स्पेस भी है जैसे कि आप देख सकते हो। सो ये हमारा सेकेंड कंपार्टमेंट जो कि मिडिल वाला है, जो कि सबसे बड़ा है, तो यहाँ मैंने रखा है फोम रोलर, सॉक्स एंड यहाँ आप योगा मैट भी रख सकते हो, इजीली आ जाएगा। फिलहाल वो अभी मेरे पास नहीं है, वो मेरे घर पे है। एंड ये जो आप देख रहे हो ये हमारा शूज़ है, तो जैसे कि मैं बताया हूँ शूज़ के लिए यहाँ अलग से कंपार्टमेंट है, तो यहाँ मैंने शूज़ रखे है, तो ये शूज़ फिर यहाँ सेकेंड कंपार्टमेंट में यहाँ अलग से आ जाता है। एंड ये हमारा तीसरा कंपार्टमेंट, यहाँ मैंने रखे वाटर बॉटल, 2 शटल कॉक के डब्बे, स्किपिंग रोप एंड कुछ टी शर्ट। आज का हमारा जो आखिरी किट बैग है वो है थ्रैक्स का एस्ट्रा सीरीज, जैसे कि आप देख सकते हो। ये आपको ब्लैक, नेवी ब्लू एंड ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड इसके अलावा इसका एक और कलर आता है ब्लैक, नेवी ब्लू एंड लाइम कलर के कॉम्बिनेशन में। फ्रंट में आपको 2 पॉकेट देखने को मिल जाते हैं, पहला और ये दूसरा। एंड जो पहला वाला है वो आपको काफी बड़ा देखने को मिल जाता है, जो दूसरा है वो थोड़ा सा छोटा है। पहले वाले में आपको थ्रैक्स की यहाँ ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ लिखा एस्ट्रा सीरीज जो कि किट बैग का मॉडल नेम है। एंड इसमें आपको कुछ पैटर्न बने हुए देखने को मिल जाते हैं ऑरेंज कलर की। बाकी चेन की भी इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है, ये आपको पूरा ऑरेंज कलर का देखने को मिल जाता है इस किट बैग में, जैसे कि आप देख सकते हो। किट बैग के अपोजिट साइड बात करें तो यहाँ भी आपको थ्रैक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है बड़ी सी। स्ट्रैप की बात करें तो इसमें भी आपको 2 स्ट्रैप देखने को मिल जाते हैं, और एक्सटेंड की तरह एक है हैंड स्ट्रैप जैसे कि आप देख सकते हो, एंड दूसरा है शोल्डर स्ट्रैप। एंड इसमें भी आपको थ्रैक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड इसका भी कुशन मुझे काफी बढ़िया लगा, इजी है, कंफर्टेबल है पहनने में। कंपार्टमेंट की बात करें तो इस किट बैग में आपको 2 मेजर कंपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एक और ये दूसरा। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूं, तो जैसे कि आप देख सकते हो काफी अच्छा हमें स्पेस देखने को मिल जाता है अंदर। एंड जो सेकंड वाला कंपार्टमेंट है इसमें भी काफी बढ़िया स्पेस है, एंड आजू-बाजू कुशनिंग भी काफी सही हुई है। इसके अलावा ये दोनों कंपार्टमेंट के अलावा आपको एक शू कंपार्टमेंट भी इस किट बैग में देखने को मिल जाता है इसके नीचे साइड, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा शू कंपार्टमेंट, एंड काफी अच्छा डेप्थ है इस शू कंपार्टमेंट का भी। फाइनली इस किट बैग के प्राइस की बात करें तो ये आपको 1299 रुपीस के अराउंड देखने को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके ले सकते हो। सो गाइस इस किट बैग में भी मैंने बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट डाले, तो मैं आपको दिखा देता हूं एक एक करके। तो ये हमारा पहला पॉकेट, फ्रंट में एक फाशन अप का बॉटल, ये हाइड्रेशन के लिए काम आता है। एंड ये हमारा एक टी शर्ट एंड यहाँ स्किपिंग रोप। एंड ये हमारा छोटा पॉकेट, इसमें मैंने थेराबैंड एंड बैडमिंटन ग्रिप वगैरह रखा है जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि ये छोटा पॉकेट है तो इजीली आ जा रहे हैं इसमें। तो ये हमारा पहला कंपार्टमेंट, यहाँ आपको बैडमिंटन रैकेट वगैरह रखने को मिल जाएगा, तो इजीली 5 रैकेट तो आ गए हैं और भी स्पेस है जैसे कि आप देख सकते हो, एंड कुशन भी काफ़ी सही है आजू बाजू। ये हमारा सेकंड कंपार्टमेंट, तो जैसे कि आप देख सकते हो शटल कॉक हो गए, बैडमिंटन सॉक्स हो गया, एंड ये वाटर बॉटल और एक फोम रोलर इजीली आ गया है इसमें। एंड ये हमारा शूज़, तो मैं जैसे कि बताया था इसमें भी आपको शूज़ के लिए अलग कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है, तो ये हमारा कंपार्टमेंट शू कंपार्टमेंट, तो यहाँ मेरे शूज हैं। वैसे मैंने इनके वेबसाइट में और भी डिफरेंट डिफरेंट किट बैग देखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज में। आई थिंक मैंने 1000 रुपीज में 2 कंपार्टमेंट वाले भी देखे, तो आप वो सब भी ट्राई कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।